साथियों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ठग कहा जा रहा है और ये भी इस तरह की उपाधि कोई और नहीं दिया है। कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल भैया दिए। ऐसे तो राहुल भैया अपने इस तरह के उलूल जुलूल बयानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, देश नहीं दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लेकिन मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी कि चलो राहुल भैया आप देश जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और देश जोड़ो यात्रा करके आए हैं तो पूरे भारत का भ्रमण किए हैं, भारतीय संस्कृति से परिचित होकर के लोगों से मिले हैं और उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, परिपक्वता आ गई है। लेकिन आज इस तरह के बयान दे करके राहुल भैया उस सियार वाली कहानी को आप चरितार्थ कर दिए हो कि गलती से वो सियार रंगरेज के टब में चला गया था, उसका कलर चेंज हो गया, जंगल के जीव समझे कि कोई विचित्र प्राणी है, इसको राजा बना दो। जैसे सियारों की बोली सुना, फिर उसने बोल दिया, पहचान में आ गया कि सियार है, उसको राजगद्दी से हटा के उसको मार दिया। तो इस तरह की अपने आप को सियार वाली कहानी को चरितार्थ मत करिए, वरना आप जो है हमारे देश के एक प्रमुख विपक्षी दल है और बिना विपक्ष के पक्ष का कोई मतलब नहीं होता। तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ने जो नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और आपके भारत जोड़ो यात्रा से मुझे भी बड़ी खुशी मिली थी कि अब कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा, मोदी जी चाहे जितना कह लें। लेकिन आपने इस तरह का बयान दे करके और छोटी छोटी पार्टियों से, तो ऐसे ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे तो विपक्ष की संभावना ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं थी, घुमा फिरा के ऐसा ही लगता था कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष में रहेगी। और आप तो इस तरह का बयान दे करके ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त नहीं विपक्ष मुक्त भारत की नींव रख रहे हैं। ऐसा मत करिए, अपने बयानों में संशोधन करके और एक परिपक्व राजनीतिक के तरह से जो है बयान दीजिए, वरना देश की जनता सचमुच में हंसती है, हंसी का पात्र मत बनिए। मेरा विशेष आपसे निवेदन है कि अब आप बड़े भी हो गए, बच्चे भी नहीं रहे, आप अपने बयानों को सोच समझ के, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, इस पर विचार करके बोलिए। इसलिए कहा जाता है ना कि बोलत ही सो जानिए अंतः मन की बात। तो आपके अंतः में क्या है ये आपके वाणी से पता चल जाता है। और एक चीज भी है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जिस स्वभाव के होते हैं उसी तरह की चीजें जो है जबान से निकलती है। तो अगर इस तरह की चीज आप सोचते होंगे तो आप ऐसा मत सोचिएगा, योगी जी एक बहुत ही कर्मठ, एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही सशक्त राजनेता हैं। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कैसे हुआ इसका विवरण हम नहीं दे सकते, ये जनता दे रही है, इसी चुनाव में जनता दी है और आने वाले 2024 के चुनाव में भी आपको खुद ही दिख जाएगा। अगर आपको डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी के वजह से एक सीट बची हुई है वो भी चली जाए, तो आप इसे डरिए मत, अपनी रणनीति बनाइए, बयानों को सही से दीजिए, तभी आप मजबूत राजनीतिक बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।